हेलो माय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपसे बात करूंगा स्टॉक मार्केट के बारे में। स्टॉक मार्केट को सभी लोग जानते होंगे। स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत सी बातें प्रचलित हैं। स्टॉक मार्केट को हम शेयर मार्केट भी कहते हैं हिंदी में। कुछ लोग कहते हैं ये एक जुआ होता है, कुछ लोग कहते हैं ये एक सट्टे की तरह होता है, इसमें सिर्फ नुकसान ही होता है। लेकिन ये एक गलत बात है। नुकसान इसलिए होता है कि लोग गलत तरीके से करते हैं, उनको सही तरीका पता नहीं है। असल में गवर्नमेंट ने जब इसकी शुरुआत की थी तो ये सोच के की थी कि जो कंपनियां प्रॉफिट कमाती हैं उसमें से एक आम आदमी को भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। इसी के लिए उन्होंने एक ओपन मार्केट में शेयर मार्केट की शुरुआत की, जिससे कि एक आम आदमी भी शेयर के रूप में उस कंपनी में हिस्सेदारी पा सके। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं इसमें उनको नुकसान होता है। वो उसकी वजह होती है कि वो गलत तरीके से करते हैं। अब गलत तरीका क्या है वो मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे मेरे वीडियोज में। अभी मैं इसके ओवरव्यू की बात करूं तो इसको हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, एक इक्विटी मार्केट और एक आपका कमोडिटी मार्केट। जो कमोडिटी में है वो उसमें आता है आपका सोना है, चांदी है, तांबा है, जैसे आपका सोयाबीन है, और भी आपके बहुत सारे अनाज, ये आपके आते हैं कमोडिटी में। दूसरा आता है आपका इक्विटी में। इक्विटी की अगर मैं बात करूं, इक्विटी की बात करूं मैं, तो उसमें आपकी आती हैं कंपनियां, जैसे रिलायंस है, टाटा है, अशोक लेलैंड है, SBI है, ICICI बैंक है, HDFC बैंक है, गेल है, भेल है, देर आर द मैनी कंपनी। तो हम बात करेंगे इक्विटी के बारे में। इक्विटी इसलिए भी मैंने चुना है क्योंकि इक्विटी में अच्छा प्रॉफिट हो सकता है और सिक्योरिटी रहती है आपके पैसे की। जब भी हम पैसा लूज करते हैं तो उसकी जो मेन वजह होती है हमारी, वो यही होती है कि हम गलत तरीके से ट्रेडिंग करते हैं। गलत तरीके से मेरा यहाँ मतलब है कि हम जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, और ये आपको पता ही होगा, पहले भी सुना होगा आपने, कि सफलता पाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। तो इसमें भी आप यही सोचिए, शेयर मार्केट का एक सबसे अच्छा मैं आपको सूत्र बताऊं तो वो ये होगा कि लो रिस्क हाई प्रॉफिट। जबकि आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं हाई रिस्क हाई प्रॉफिट, लेकिन नहीं, शेयर मार्केट में ये बात गलत है। शेयर मार्केट का सिद्धांत होता है लो रिस्क हाई प्रॉफिट। आप हमेशा ऐसे स्टॉक्स को चुनिए जिसमें रिस्क कम हो। रिस्क से यहाँ मेरा मतलब है कि आप जो भी कंपनियां चुने वो आपकी इस टाइप की हों जो अच्छी हों, जिनकी मार्केट वैल्यू बहुत अच्छी हो, जो आप जानते हों कि ये सफल होंगी ही, ये कभी डूबेंगी नहीं। कभी भी ऐसी कंपनी में आप पैसे मत लगाइए जिसमें आपको डूबने की संभावना ज़्यादा लगती हो, जिसमें आपको लगता हो कि ये कंपनी डूब जाएगी। जैसे मैं आपको एक नाम बताऊं, किंगफिशर, वो डूब गई, तो जिन लोगों ने भी उसमें पैसा लगाया था उनको नुकसान हुआ। अब देखिए टाटा मोटर्स बहुत ही अच्छी कंपनी है, नहीं डूबेगी। SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्या आपको लगता है ये कभी दिवालिया हो सकती है? मुझे नहीं लगता। तो इसलिए हमेशा ऐसी कंपनियां चुननी चाहिए जो बहुत अच्छी हों। मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं ले जाता कि बैलेंस शीट देखनी है आपको, किस तरह से देखनी है, ये मैं एक मोटा मोटी बात करूं तो आपको सिर्फ देख लेनी चाहिए। जैसे आपकी हिंदुस्तान यूनिलीवर है, अच्छी कंपनी है, इमामी है, अच्छी कंपनी है,
बायोकॉन फार्मा की कंपनी है, ऐसे ही आपकी बहुत सारी कंपनियां हैं। दूसरी गलती हम ये करते हैं कि जब हम पैसा लगाते हैं तो बहुत जल्दी में रहते हैं कि एक दिन में ही हम अमीर बन जाएं, तो हम इंट्राडे में करते हैं। इंट्राडे का यहाँ मेरा मतलब है कि एक दिन में ही स्टॉक लेना और एक दिन में ही उसको बेच देना। तो कभी भी इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, कोशिश करें हमेशा डिलीवरी में लेने की। आपने एक स्टॉक ले लिया डिलीवरी में, उसको रखिए कई दिन तक। आपने सोचा कि मैं 10% 15% या 20% कमाऊंगा और बेच दूंगा, ऐसा ही कीजिए। हो सकता है आपका लक्ष्य एक महीने में आ जाए या 10 दिन में ही आ जाए या 5 दिन में ही आ जाए। आपने मान लीजिए डिसाइड किया कि मुझे 20% कमाना है और वो आपका एक हफ्ते में आ गया, तो आप बेच दीजिए एक हफ्ते में। एक दिन में आ जाए तो एक दिन में बेच दीजिए। लेकिन हमेशा जब भी स्टॉक लें उसको डिलीवरी में, डिलीवरी का अर्थ है एक दिन से ज़्यादा, ये सोच के लें। फिर आपका लक्ष्य आ जाए आप उसको कभी भी निकाल दीजिए। तो और भी मेरे वीडियो होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।